नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं इग्नू की एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है। तो आप में से जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, खासकर नए स्टूडेंट के लिए तो ज़रूरी ही है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इग्नू की वेबसाइट पर कहाँ जाना होगा, जहाँ पे आपको ये री रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा। तो आप इग्नू की वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर के बार में आप देखेंगे कि री रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू में थर्ड नंबर पर आपको री रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे करते ही आपको एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, जो कि इस तरीके से होगी। ये थर्ड विंडो ओपन हो गई है। अब री रजिस्ट्रेशन करते कौन से स्टूडेंट हैं, पहले मैं ये बता दूं, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इग्नू में फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम से पहले सेकेंड ईयर में इनरोल होना पड़ता है, और सेकेंड ईयर एग्ज़ाम से पहले थर्ड ईयर में तो एडमिशन हो जाता है। तो इस भूल में कभी भी मत रहें कि आपको फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, या सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद या सेकेंड सेमेस्टर क्लियर करने के बाद आपको थर्ड या सेकेंड में एडमिशन लेना है। ऐसा करने से आपका 6 मंथ या 1 ईयर का लॉस हो जाएगा। तो आप ऐसा ना करें, आपको पहले ही इसमें सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम से पहले आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो मैं आगे बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने अभी जनवरी, जो स्टूडेंट जनवरी 2019 में एडमिशन लिए हैं, उनका सेकेंड ईयर में, जो भी बैचलर हो या मास्टर हो, उनका सेकेंड ईयर का एडमिशन होगा। जिन्होंने जनवरी 2018 में एडमिशन लिया होगा, उनका थर्ड ईयर का, चाहे मास्टर हो या बैचलर हो। जो सेमेस्टर वाइज हैं, जिन्होंने जुलाई 2019 में अभी एडमिशन लिया है, जो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम के स्टूडेंट के बाद से BCA, MCA या सेमेस्टर वाइज और भी कोई प्रोग्राम है, उनका सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन अभी होगा, ताकि वो नेक्स्ट ईयर जून में एग्ज़ाम दे पाएँ, और फर्स्ट ईयर का तो वो दिसंबर में देंगे ही देंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन करना भूल गए हैं, जो जिन्होंने नहीं किया है या किसी कारणवश, तो वो भी इस री रजिस्ट्रेशन जो अभी ऑन हुआ है उसमें री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे वो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम के हों या BCA, MCA या बैचलर मास्टर, किसी की भी, जो भूल गए हैं री रजिस्ट्रेशन करना, वो इसमें कर सकते हैं। इसकी जो भी लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके इस पे री रजिस्ट्रेशन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। बाकी का जो आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। इस ये विंडो पे आपको अप्लाई ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन का एक रेड बटन दिख रही है, उस पर आपको क्लिक करना है। जस्ट नेक्स्ट आगे पेज ओपन होगा आपका, तो इसमें सबसे पहले आपका प्रोग्राम पूछेगा, इसमें आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करिए, BA, BCOM, BSc, BSW, जो भी आपका सर्टिफिकेट मास, जो भी प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट तो नहीं, BTS, BSW, सेमेस्टर वाइज और ईयरली प्रोग्राम के लिए है, इसमें आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। BA प्रोग्राम है तो BA, इसमें आप अपना जस्ट इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर डाल के नीचे जो कैप्चा कोड दिया है उसको डालना है आपको। वो करने के बाद आप सबमिट बटन करेंगे। अगर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है तो वो ऑलरेडी चूज रहेगा, उसको आपको सेव करके आगे प्रोसीड करना है। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें चूज करना है आपको, चूज करने के बाद आपको सबमिट करना है, सबमिट करके आगे जस्ट नेक्स्ट बटन आपका पेमेंट का रहेगा, आपको जस्ट पेमेंट कर देना है। अगर कोई भी समस्या आती है आपको, अगर आपने पेमेंट करने से पहले कोई गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है, अगर उसमें आप एडिट फैसिलिटी चाहते हैं, तो आप iGram पे अपना ग्रीवेंस लॉज कर दीजिएगा। उसमें जब आप ग्रीवेंस लॉज करेंगे तो आप री रजिस्ट्रेशन चूज करिएगा, उसमें आपका एक कैटेगरी मिलेगी एडिट फैसिलिटी का, उसको चूज करके आप एडिट फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर देंगे। 1 से 2 दिन वेट कर लीजिएगा, एडिट फैसिलिटी मिल जाएगी तो आप सब्जेक्ट अपना चेंज कर पाएंगे। पेमेंट मत करिएगा अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है तो आगे अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के
आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। होप, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसके रिगार्डिंग कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।